लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में स्ट्रेचिंग करने की सलाह क्यों देते हैं डॉक्टर, जाने इससे मिलने वाले ढेर सारे फायदे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेगनेंसी हर महिला के लिए बहुत खास होता है। 9 महीने के सफर में महिलाएं वे सारे काम करते हैं जो गर्भ में पलने वाले शिशु के लिए फायदेमंद है। इस दौरान कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं जिसकी वजह से मानसिक व शारीरिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। जब बात प्रेगनेंसी की आती है, शारीरिक दर्द से दिलाता है राहत। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल बदलाव की वजह से कमर पीठ और कंधों में दर्द रहता है। कई बार गर्भ में बच्चे के बढ़ते वजन से रीढ़ के हड्डियों में भी दर्द की समस्या होती है। इस तरह के दर्द से छुटकारा पाने में स्ट्रेचिंग काफ़ी मददगार साबित होता है। स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशियों में खिंचाव आता है जो दर्द से राहत दिलाता है। सूजन ठीक करने में मददगार है। प्रेगनेंसी में कई महिलाओं के हाथ और पैरों में सूजन आ जाती है। शरीर में आने वाली ये सूजन भविष्य में कई बीमारियों की वजह बन सकती है। पैरों की सूजन को ठीक करने में स्ट्रेचिंग काफ़ी मददगार साबित होती है। नॉर्मल डिलीवरी में मददगार है स्ट्रेचिंग। प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में अगर महिलाएं रेगुलर एक्सरसाइज या पैरों की स्ट्रेचिंग दूर करती हैं तो इससे नॉर्मल डिलीवरी की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। स्ट्रेचिंग पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को एक्टिव करता है जिससे डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए मैं आपको 5 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा कि आप जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ आप उसमें कितना कंफर्टेबल हैं या नहीं है वो मुझे नहीं पता। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज करें। प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाने के लिए आप 5 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ट्राई कर सकती हैं। पहला है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग, दूसरा है रोल डाउन स्ट्रेच, तीसरा है गर्दन की स्ट्रेचिंग, तीसरा एंड चौथा है कमर की स्ट्रेचिंग, फिर कंधों की स्ट्रेचिंग। प्रेगनेंसी में स्ट्रेचिंग शुरू करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। मैं आपको बोलने से पहले भी आपको बताया और बताने के बाद भी आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी एक्सरसाइज ना करें। हर महिला का शरीर अलग होता है, इसलिए उस आपके शरीर के मुताबिक आपको कौन सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को चुनना है और किन्हें अवॉइड करना है ये केवल डॉक्टर ही तय कर सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। धन्यवाद।